Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for a... हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर आपके पास अभी तक Xiaomi का कोई सा भी पुराना डिवाइस है तो फिर आपके पास वहाँ पे MI का डायलर आपको देखने के लिए मिल जाता है और आपको उसके साथ साथ MI का मैसेजिंग ऐप भी देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप नए फ़ोन्स देंगे जैसे कि Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max, तो आपको उसमें MI का नहीं, आपको उसमें Google का ऑफिशियली डायलर और Google का आपको उसमें मैसेजिंग ऐप भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स, आज यहाँ पे ऐसी न्यूज़ निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें अब कौन कौन से डिवाइसेस में गूगल के डायलर या फिर MI के डायलर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा YT चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा YT चैनल आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसी क्या न्यूज़ निकल के आई है MIUI डायलर और गूगल डायलर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, 50% Xiaomi यूजर्स को MIUI का डायलर पसंद है और 50% यूजर्स को गूगल का डायलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा डायलर सबसे ज़्यादा पसंद आता है, MI का या फिर आपको गूगल का डायलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, हेलो MI फैंस, आई हैव अ बेटर आइडिया विच आई जस्ट रियलाइज्ड इट बिटवीन फॉर MI एंड गूगल एप्स विच फॉर MI एंड गूगल डायलर SMS। तो फ्रेंड्स, एज वी नो दोज टू ऑलवेज गेटिंग ऑलमोस्ट ड्रॉ और इनफ वोट फ्रॉम यूजर्स क्रिएटेड अ वोट इन MI कम्युनिटी ऐप। तो फ्रेंड्स, MI ने बहुत ही बार गूगल डायलर और MI डायलर का सर्वे किया है कि ये पता लगाने के लिए कि हमारे पास कितने परसेंट ऐसे यूजर्स हैं जिनको MI का डायलर पसंद है या फिर उनको गूगल का डायलर पसंद है। तो फिर फ्रेंड्स, 50% यूजर्स को गूगल का डायलर पसंद है और 50% यूजर्स को MIUI का डायलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, आई हैव अ टाइम्स बेटर आइडिया सिंस 50% Xiaomi यूजर्स प्रेफर MIUI डायलर एंड SMS एंड अदर हाफ 50% Xiaomi यूजर्स प्रेफर गूगल डायलर एंड SMS एप्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि आपको 50% ऐसे यूजर्स मिलेंगे उनको MIUI का पसंद है और 50% को गूगल का पसंद है। तो फ्रेंड्स, Xiaomi का आइडिया ऐसा है कि अब से Xiaomi ऐसा करेगी, जब भी आप अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे तो फिर आपके फ़ोन में वो पूछेगा कि आपको MIUI का डायलर पसंद है या फिर आप अपने Xiaomi के फ़ोन में गूगल का डायलर यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास ऐसी दो चॉइस निकल के सामने आ चुकी है। अब से आप MI का और गूगल का दोनों डायलर अपने फ़ोन में यूज़ कर सकेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, लाइक एग्जांपल ड्यूरिंग आफ्टर फैक्ट्री रीसेट और फर्स्ट टाइम बॉट अ न्यू फ़ोन। तो फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि आपने फ़ोन को फर्स्ट टाइम बाई किया है तो फिर वो आपसे आपके उसमें सेटअप में आपसे पूछ लेगा कि आपको इसमें MI का डायलर चाहिए या फिर आपको इसमें गूगल का डायलर चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप उसमें वहाँ से बहुत ईजीली यूज़ कर सकेंगे, आप वहां से बहुत इजीली सेलेक्ट भी कर सकेंगे कि आपको इसमें MI का सेलेक्ट करना है या फिर आपको इसमें गूगल का डायलर सेलेक्ट करना है। तो आपको इसमें ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जिनके पास पुराने फ़ोन्स हैं। तो फ्रेंड्स, पुराने फ़ोन्स मेरे अकॉर्डिंग अब MIUI के 12.5 में ही ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने पुराने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और फिर जब आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो फिर आपसे वो सेटअप में आपसे वो पूछ रहेगा कि आपको इसमें MIUI चाहिए या फिर आपको इसमें गूगल का डायलर चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप उसमें कोई सा भी डायलर सेलेक्ट एंड यूज़ कर सकेंगे। लाइक अवर
our users allow topic option 1, IMEI dialer and SMS apps pre-installed or Google and SMS apps pre-installed, तो आपको इसमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, IMEI के और गूगल के। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो चुकी है Xiaomi यूजर्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे Xiaomi यूजर्स को IMEI का डायलर भी पसंद है और बहुत सारे यूजर्स को गूगल का डायलर भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स अब से आप ये दोनों डायलर यूज़ कर सकेंगे एवरी आफ्टर फैक्ट्री रीसेट। तो फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे बर्थडे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप मेरा बर्थडे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। Hey Mr. Bully, won't you just see right through me on the dying days when I ask for it?